आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। के साथ टू फॉर्म वाई, ये आपका जो वाई कंपाउंड है इसको फॉर्म करने के लिए जो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस में इनोलेट किया आपको गिवन है वो कौन सा रिएक्ट करेगा विद 3-butene-2-on के साथ, राइट। सो देखो अगर आप कंपाउंड को देखोगे सो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको समझना होगा कि आपका जो इनोलेट यूज होगा, अगर आप कंपाउंड को यूज देखते हो सो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके पास देखो यहाँ पर होने वाला क्या है कि देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका 3-butene-2-on का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। सो देखो क्या है ये आपके पास 3-butene मतलब आपके पास स्टार कार्बन एटम्स होने वाले हैं, फाइन फाइन। और हमारे पास क्या है 3 पर आपके पास क्या है एन होगा आपका मतलब डबल बॉन्ड 1-2-3 इस तरीके से दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और 2-on है मतलब सेकेंड पोजिशन पर आपके इसके डबल बॉन्ड लगने वाला है। सो मैं यहाँ लगा देती हूँ आपका डबल बॉन्ड एंड आपके पास यहाँ पर क्या है अब आप वैलेंसी कंप्लीट कर दो लाइक दिस, फाइन। सो ये बेसिकली आपका सिस्टम है, क्लियर। ये आपका क्या है 3-butene-2-on। अब आपको इनोलेट ढूंढना है जिससे आप वाई प्रोडक्ट बना सको, फाइन। आपको इतना समझ में आना चाहिए, देखो अगर आप इनोलेट फर्स्ट यूज करते हो तो इस केस में आप देखोगे कि ये आपका बेसिकली क्या करने वाला है आपको बताइए कि रिएक्शन कैसे होने वाली है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा सो यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव, अपने ये इनोलेट जो है वो अपने इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव पर डालेगा, राइट। सो आप देखोगे कि जब ये कार्बन इस कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो आपको यहाँ पर CH3 नहीं मिलने वाला, राइट, इजंट इट। सो ये नहीं हो सकता, सिमिलरली आपका ये भी नहीं हो सकता, बट ये वाला पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही ये आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा सो आपके पास देखोगे कि यहाँ पर आपके पास डिजायर्ड आपका क्या है CH3 जो हमें चाहिए वो आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये आपको ऑन टर्म से समझ में आएगा जब हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सो आप देखोगे कि हमने इनोलेट आयन हमारा चूज कर लिया है, दिस इज योर इनोलेट आयन, राइट, डबल बॉन्ड ओ, और हमारे पास जिस पर इसका अटैक होगा दैट इज योर दिस सिस्टम, फाइन। सो देखो रिएक्शन आपकी कैसे प्रोसीड करने वाली है, रिएक्शन आपकी क्या है कुछ इस टाइप से प्रोसीड करेगी, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके यहाँ पर क्या बन जाएगा आप समझ चुके होंगे, ये तो एज इट इज रहने वाला है सिस्टम, डबल बॉन्ड ओ, राइट। मिथाइल ग्रुप को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर आपके पास लगेगा ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है CH2 और बाकी का आप एज इट इज रहने दो, राइट। ये हो जाएगा आपके पास CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड ओ CH3, राइट। क्योंकि देखो सिस्टम में कुछ ना कुछ आपके पास क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन है कुछ ना कुछ आपके पास H पॉजिटिव आयन डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, सो ये आपका यहाँ पर जो नेगेटिव डेवलप हुआ है ये आपका कहीं ना कहीं से आपका एसिडिक कंडीशंस में एच पॉजिटिव ले लेगा, राइट। सो ये CH2 हो जाएगा, क्लियर। ये CH2 हो गया, अभी भी हमारे को हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिला, राइट, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर रिंग बनी है। सो वो देखो रिंग इसलिए पॉसिबल होगी आपकी क्योंकि देखो अगर मैं रिंग देखती हूँ, ओके, सो देखो रिंग आपकी कैसे पॉसिबल होगी, इसमें होने वाला क्या है आपका बेसिकली, क्योंकि आपके पास अभी भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, वो कैसे होगी आपको समझना होगा। बनाते हैं सो आपके पास क्या होता है बेस प्रेजेंट होता है, राइट। इनोलेट जब बनाते हैं तो बेस प्रेजेंट होता है और आपको पता है कि एसिडिक प्रोटॉन को वो लेकर जाता है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन क्या होगा आपका, एक तो आपका देखो ये एसिडिक प्रोटॉन हो सकता है, अगर मैं इसको क्लियरली शो करती हूँ, एक तो आपका क्या है ये एसिडिक प्रोटॉन हो सकता है एंड एक आपका ये वाला एसिडिक प्रोटॉन भी है। बट अगर देखो ये एसिडिक प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा नेगेटिव बनेगा सो आप जो रिंग बनाओगे सो 1-2-3-4 मेंबर की बनेगी क्योंकि कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा जो अनस्टेबल है, राइट। सो इसलिए हमारा जो मोस्ट एसिडिक होगा वो आपका ये प्रोटॉन होगा। सो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट करा देते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, राइट। इसका अटैक आप दिखा सकते हो कि इसका अटैक जो होगा बेसिकली आपका इस कार्बोनिल कार्बन पर देखने को मिलेगा आपको, फाइन। सो देखो कैसे अब आपके पास देखो 6 मेंबर की रिंग बेसिकली आपके पास यहाँ पर बनने वाली है लाइक दिस, ये CH3, यहाँ पर मैं आपकी डायरेक्ट जो है 6 मेंबर की रिंग बना देती हूँ, ये वाला कार्बन आ गया आपका CH2, फिर CH2 वाला अगेन कार्बन, फिर यहाँ पर आपके पास क्या है सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन आ गया, राइट, क्लियर। फिर आपके पास अगेन देखो अगर मैं इसको और क्लियरली बना देती हूँ, ये आपका है सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन,
फिर आपके पास क्या है, ये सी एच टू जिस पर इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो ये सिक्स मेंबर की रिंग हो गई आपके पास, राइट। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ओ नेगेटिव, राइट। अब देखो होने वाला क्या है कि अगर हमारे पास एसिडिक कंडीशंस में इनोलेट की हमने फॉर्मेशन करी है, सो आपके पास यहाँ पर क्या है, ओ एच भी होगा, मतलब एच पॉजिटिव लग जाएगा कहीं ना कहीं से एसिडिक मीडियम में। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलिमिनेशन दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ से आपका क्या है, हाइड्रोजन जो होगा ये आपका क्या होगा, मतलब आपका बेसिकली होने वाला क्या है कि इस टाइप से आपके पास क्या है, रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, राइट। मतलब वाटर बनकर आपके पास यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ये बेसिकली आपका क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल हो रहा है, फाइन। इंट्रा मॉलिकुलर आपके पास क्या है, एल्डोल देखने को मिलती है। सो ये आपका आपका डिजायर्ड आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप चेक कर सकते हो, यस आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। सो यहाँ से हमें साफ साफ लग गया कि जो आपका यूज होगा इनोलेट, दैट विल बी योर ऑप्शन थर्ड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।